हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्रेंड्स आइसोमराइजेशन में, आप हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमराइजेशन। स्टीरियो आइसोमराइजेशन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन होती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन में क्या होता है, एंगल डिफरेंस हो जाता है कि किसी का भी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसका एंगल डिफर कर रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और दूसरा होता है कि डायहेड्रल एंगल, तो जो डायहेड्रल एंगल होता है वो स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लगता है। अब जैसे सिस हो गया, जैसे सिस इथाइलीन है और ट्रांस इथाइलीन है, उसमें एंगल का चेंज हो गया तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो कॉम्प्लेक्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स को चेंज कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं और इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। बट फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमें पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल हम कैसे निकालेंगे, कि कैसे कैलकुलेट कैसे निकालेंगे, कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, कौन कौन से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर पढ़नी है इसकी थ्योरेटिकल स्टडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री। तो स्पेशली क्या होता है फ्रेंड्स, इन जनरल हम ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े जाते हैं दो मेन कंपाउंड्स में, स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और वो भी स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो इन जनरल पढ़े जाते हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल में पढ़ी जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, और अगर टीबीपी की बात करता हूं तो टीबीपी में भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ट्राइगोनल प्लेन में, और अगर टेट्राहेड्रल की बात करता हूं तो टेट्राहेड्रल में भी कोई नहीं होगा क्योंकि 109 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर प्लेनर में। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर हम साथ साथ कैलकुलेट करेंगे जिससे कि इजी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अलग अलग करेंगे उससे टाइम भी कंज्यूम होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर प्लेनर में, और एक बात ध्यान रखनी है कि स्क्वायर प्लेनर क्या होता है फ्रेंड्स, पूरा प्लेन कंपाउंड होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल में आप ऑप्टिकल आइसोमर नहीं निकाल सकते, वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसमें प्लेन डल गया तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में केवल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालेंगे और ऑक्टाहेड्रल में हम दोनों निकालेंगे, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर निकालना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो फ्रेंड्स, मैंने पहला कंपाउंड लिया है, पहला मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है MA4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइसोमर ये होता है कि उसके जैसा और कितने हैं, कि मतलब बेसिकली आइसोमेरिज्म तो यही हो गया ना कि उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहे और उसके मतलब जो लिगेंड्स है उसका अरेंजमेंट के डिफरेंट अरेंजमेंट। अब जैसे फ्रेंड्स MA4 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, MA4। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर प्लेनर की बात की जा रही है MA4। ठीक है फ्रेंड्स, तो MA4 ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो MA4 तो ये इकलौता है कि इसके जैसा और कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया, कोई आइसोमेरिज्म, तो इसके जीरो आइसोमर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर बात करते हैं हम फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं MA3B की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा हूं, MA3B की बात करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं तो MA3 ये हो जाएगा फ्रेंड्स, MA3B हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, कहने का मतलब है आइसोमर ही होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये इससे 180 डिग्री पर है, चलो मैंने मान लिया, और ये इससे 90 डिग्री पर, बट जो अगला बनेगा, अगर मैं अगला बनाने की कोशिश करता हूं तो फ्रेंड्स ये ए हो गया। अब अगर मैं बी को इसमें रख दूं तो ये भी तो बात वही होगी, ये इस ए से 180 डिग्री पर है और इस ए से 90 डिग्री पर है, तो ये भी कोई आइसोमर शो नहीं कर, तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जीरो होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये हो गए। अब बात करते हैं हम MA2B2 की। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एम एक जनरल वे में ले लिया है, कोई मेटल है और ए उसके कोई लिगेंड लगे हैं, तो MA2B2 की बात करते हैं, A2 और B2 की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, इसमें हो जाएंगे, एक सिस हो जाएगा और एक ट्रांस हो जाएगा। अब सिस और ट्रांस निकालने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपको नहीं आते हैं तो मेटल, अगर ये कोई मेटल है और यहां पर कोई लिगेंड है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम एक बीच में लाइन डालते हैं और वो मेटल से अगर वो कट हो रही है तो वो ट्रांस होगा। ओके फ्रेंड्स,
तो ट्रांस आइसोमर होगा। और अगर मेटल से कट नहीं हो रही है, अब जैसे ये है, अगर कोई बिल्कुल सीधी आपने वर्टिकल लाइन डाली और अगर वो मेटल से कट नहीं होती है तो सिस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात भी आप नोट कर लो कि अगर मेटल से डायरेक्ट लाइन डाली जो कि मेटल को कट करती है तो वो ट्रांस हो जाएगा, और अगर मेटल को कट नहीं करती है, साइड में से निकल जाती है, तो वो सिस आइसोमर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई है फ्रेंड्स हमारी। तो अब देखते हैं हम कि अब एम ए टू बी टू की बात कर रहे हैं हम, तो ये एम ए टू बी टू का एक तो सिस हो जाएगा, एक सिस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, और एक ट्रांस हो जाएगी, एम ए बी और ए ए, ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रांस होगी और ये हो गया सिस, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और इसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं आएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें प्लेन होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, और प्लेनर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं, तो ये भी हो गया फ्रेंड्स, इसके दो आया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। अब कहानी शुरू होती है कि फोर्थ आता है एम ए टू बी सी की, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो एम ए टू बी सी की मैं अगर बात करता हूं तो इसमें मेटल है, ये हो गया और ये। अब देखिए फ्रेंड्स, एम ए टू बी टू का बी सी का है, एम ए एक बार ट्रांस हो जाएगा और एक बार सिस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये बी और सी ये ट्रांस में लग जाएंगे और ये सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिस हो जाएंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो इसके भी कितने आइसोमर बनेंगे, दो आइसोमर बनेंगे और दोनों ज्योमेट्रिकली आइसोमर होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, टू आइसोमर्स, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये भी हो गया। अब अगला एग्जाम्पल है आपका एम ए बी सी टी, एम ए बी सी टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके कितने आइसोमर बनते हैं देखते हैं हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनते हैं, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो एम ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो एम ए बी सी डी हो गया, तो एक बार मैंने ए बी ट्रांस में लगाया, तो एक बार मैं सिस में लगा देता हूं, ए बी और सी और डी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। एक बार मैंने ए बी ट्रांस में लगाया, एक बार ए बी सिस में लगा देता हूं, और यहां पर सी और डी ट्रांस है, यहां पर सी और डी क्या है फ्रेंड्स, सिस है। तो ए, अब क्या हो रहा है, सी और बी, अब एक बार ए और बी को ट्रांस लगाया तो एक बार अगली बार बी और सी को ट्रांस लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बी और सी को ट्रांस लगा दिया और ए और डी को ट्रांस लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप और भी कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बनाओगे और भी आइसोमर, तो वो उसके सेम हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कितने हो गए, तीन आइसोमर हो गए, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पहले क्या हुआ, ए और बी ट्रांस लगाया, फिर मैंने ए और सी ट्रांस लगाया, फिर मैंने बी और सी ट्रांस लगा दिया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई मोनोडेंटेट की, हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि मोनोडेंटेट लिगेंड है ए बी सी और डी, फिलहाल मोनोडेंटेट की बात हो रही है, और स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस इतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिलहाल हम मोनोडेंटेट की बात कर रहे हैं कि मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर में मर्स निकालना, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मोनोडेंटेड लिगेंड में कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर निकालना सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। तो अब यहां से दो बात नोट करने वाली बात है, टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अब हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है कि ऑक्टाहेड्रल के जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो फिलहाल दो बातें याद रखो, पहली बात क्या है, फर्स्ट कंडीशन, इफ दो सेम ग्रुप, अगर टू सेम ग्रुप्स ऑब्टेंड एट 180 डिग्री, तो अगर कोई दो सेम ग्रुप 180 डिग्री ऑब्टेंड कर जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एम ए ये हो गया ए, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये बी और ये सी। तो पहले कंडीशन फर्स्ट लगाने, दो कंडीशन है इसके लिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये 180 डिग्री हो गए, दो अगर ये कंडीशन आ जाती है कि दो सेम ग्रुप, अब ये कह रहा दो सेम ग्रुप, अगर दो सेम ग्रुप 180 डिग्री हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, इनएक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर कुछ नहीं देखना, पहले कंडीशन ये वाली लगानी है कि अगर दो सेम ग्रुप 180 डिग्री पर है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी कंडीशन में देखनी है हमें
कि पहले कंडीशन फर्स्ट लगानी है, अगर फर्स्ट से नहीं, ये ट्रिक है फ्रेंड्स कि ऑप्टिकल इनएक्टिव निकालना, पहले फ्रेंड्स ट्रिक वन लगानी है, अगर ट्रिक वन सक्सेसफुल हो जाती है तब आगे देखना है ट्रिक सेकंड पर। तो ट्रिक सेकंड क्या कहती है फ्रेंड्स, आपका ये कंपाउंड है, ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ये ए ए और ये बी बी और ये सी और ये डी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, मोनोरिएंटेड लिगेंड है, इसमें तीन लाइन खींचनी है आपको, एक यहां से खींच दो फ्रेंड्स, ठीक हो गया, एक यहां से खींच दो और एक यहां से। अगर फ्रेंड्स इसमें पेयर बन रहे हैं, जैसे ये ए का पेयर बन गया, बी बी का पेयर बन रहा है, अगर इसके सेम साइड में पेयर बन जाए तो फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। तो पहले हमें फर्स्ट कंडीशन देखनी है, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब जाके हमें सेकंड कंडीशन देखनी है, ओके फ्रेंड्स, अगर सेकंड कंडीशन तब जाके सेकंड कंडीशन देखनी है। अब जैसे फ्रेंड्स ये है, अब इसी में ही देख लो एक बार एग्जांपल और ध्यान से, एम ए ए आपका बी बी और सी सी, अब देखिए फ्रेंड्स तीन लाइन खींचनी है, एक दो तीन। अब क्या हो रहा है, इसके सामने अगर ये बात कर रहा हूं, इसके सामने सी सी के सामने ए बी हो गया तो ये भी कंडीशन नहीं हुई, अब अगर ये देखते हैं ए के सामने बी सी तो ये भी कंडीशन नहीं हुई, बस केवल ये देखना है कि तीन लाइन खींच के अगर उसके सामने के सेम आ गए, जैसे ए का पेयर बन गया और बी बी का पेयर बन गया, तभी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो हमने ये बात देख ली, हमने ये बात देख ली यहाँ पर कि ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कैसे करनी है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में। तो अब हम अपने एग्जांपल्स पे आते हैं कि किस किस टाइप्स की आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमर निकालना, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला देखते हैं कि एम ए सिक्स की कोई मेटल है, ठीक है, उसका मोनोरिएंटेड लिगेंड ए है, मतलब सेम हो जाए कि ए ए ए ए ए, तो ये कुछ भी नहीं होगा, कि कहने का मतलब ये है कि ये आइसोमर ही होता है कि उसके जैसा और कितने, ये किसी के भी जैसा नहीं है, तो ये जीरो आइसोमर हो जाएंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। चलो अब आते हैं एम ए फाइव बी, अब ये उसी की तरह हो गया एम ए थ्री बी की तरह जो स्क्वायर प्लेनर में देखा था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स, इसका भी कोई आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। अब अगर एम ए फोर बी की तरह आते हैं, अब हम आ रहे हैं एम ए फोर बी पर, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम एम ए फोर ये हमारा नेक्स्ट एम ए फोर बी टू हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो एम ए फोर ए फोर बी की बी टू की दो कंडीशन हो सकती है, एक सिस हो सकता है और एक ट्रांस हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे एम ए ये चारों ए मैंने प्लेन में रख दिए, ये ए बी हो गया और ये बी हो गया, अब ये क्या हो गया, ये ट्रांस वाला हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब ट्रांस आइसोमर, अब दूसरा क्या हो जाएगा, सिस कर देता हूं मैं, अब ये बी को यहां रख देता हूं, ये ए हो गया, ये हो गया, ये ए हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, दो ज्योमेट्रिकल हो गए। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, तो पहले फ्रेंड्स कंडीशन फर्स्ट लगानी है, तो कंडीशन फर्स्ट लगाने से ये सेम ग्रुप 180 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखना है तीसरी कंडीशन, मतलब सेकंड कंडीशन लगानी है, एक ही लाइन यहां से खींच दो, एक ही लाइन यहां से खींच दो, एक ही लाइन यहां से खींच दो, अगर सेम ग्रुप आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स ये सेम ग्रुप आ जाए, आ गए हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो इनएक्टिव हो गया तो कितने टोटल आइसोमर कितने हो गए, इसके टोटल आइसोमर दो ज्योमेट्रिकल हो गए और एक ये हो गया, ये सेम पेयर बन गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। नहीं फ्रेंड्स एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें भी कोई ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भी यही हो गया ना फ्रेंड्स कि मैंने दोनों ग्रुप ये थे, ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये ए हो गया, ये ए हो गया, एक मिनट, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी और ये बी, तो ये भी सेम ग्रुप हो गए, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, हाँ तो ठीक है ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। तो टोटल आइसोमर हो गए इसके थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं हम, तो फ्रेंड्स बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना। तो ये हो गया हमारा ये, अब इस पर देखते हैं फ्रेंड्स एम ए फोर बी सी पर, तो ये हो गया एक, तो ये एम ए फोर बी सी, अब वही चीज है, मैंने एक बार आपका ये ए चारों ए प्लेन्स पर रख दिए,
और बी और सी को ट्रांस कर दिया और एक बार बी और सी को सिस कर दिया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कितने, एक तो सिस हो गया, एक सिस हो गया और एक ट्रांस हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें देखते हैं कि कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो ये बिल्कुल सीधी बात है कि ये सेम ग्रुप है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये तो होगा नहीं। अब इसमें चेक करते हैं, अब पहले पहली कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर दो सेम ग्रुप एक दूसरे के क्या हो जाए फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्म मतलब 180 डिग्री पे हो जाए, तो ये 180 पर हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। पहले कंडीशन देखते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो टोटल आइसोमर कितने आ गए फ्रेंड्स इसके, दो इसके, दो ज्योमेट्रिकल प्लस वन ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक हो गया फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो ये दोनों के दोनों ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे, ये वाला भी और आपका, क्योंकि ये हो गया ना, ये 180 डिग्री पर है तो ये दोनों के दोनों, तो इसमें कितने हो जाएंगे, दोनों के दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये हो जाएंगे टोटल आइसोमर आ जाएंगे चार, ठीक हो गया फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं कि दो सेम ग्रुप अगर 180 डिग्री पर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, अगर इनएक्टिव हो जाएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, इनएक्टिव। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका। तो अब हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं कि फिफ्थ वाले एग्जांपल करते हैं फ्रेंड्स हम कि MA3B2C। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, अगर कभी ये आ जाए कि तीन ग्रुप सेम हो जाएं, ठीक है फ्रेंड्स MA3B2। अब क्या हो गया, जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो तीन सेम है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है मेरिडोनियल और फेशियल का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरिडोनियल और फेशियल में ये होता है कि फ्रेंड्स जैसे एम ये हो गया, ये और ये, तो यहां पर क्या हो रहा है ए ए, ये कंडीशन हो सकती है बी बी। अगर फ्रेंड्स तीन सेम ग्रुप, अगर फ्रेंड्स तीन सेम ग्रुप 90 डिग्री पर आ जाएं तो वो क्या होगा, फेशियल हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और अगर दो ग्रुप 90 डिग्री पर हैं और एक 180 पर है तो वो क्या हो गया, मेरिडोनियल हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स, मेरिडोनियल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, मेरिडोनियल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, ये बी और ये बी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो यही वाली कंडीशन है कि अगर आपके तीन सेम ग्रुप 90 डिग्री पर हैं तो फेशियल होगा फ्रेंड्स, और अगर दो सेम ग्रुप 90 और एक 180 डिग्री पर है तो मेरिडोनियल हो जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अगर MA3B3 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक इसका आइसोमर फेशियल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, मेरिडोनियल हो जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं MA3B2C में। अब MA3B2C में क्या होगा फ्रेंड्स, इसके बनेंगे तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका ये देखेंगे कि एक तो आपका मेरिडोनियल हो जाएगा, सॉरी फेशियल हो जाएगा, ये फेशियल हो गया फ्रेंड्स। अब क्या होगा, एक मेरिडोनियल हो जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये सी हो जाएगा। अब क्या है, बी और बी, अब मैंने ट्रांसफर रखे हैं तो अगला क्या हो जाएगा, बी और सी ट्रांसफर, बी और बी ट्रांसफर है तो अगला हो जाएगा बी और सी ट्रांसफर, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा ये। अब अगर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर निकालने की कोशिश करता हूं मैं, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी तीन ये खींचता हूं मैं इस वाले कंपाउंड की, तो फ्रेंड्स देखिए ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से, और ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, ये भी फर्स्ट कंडीशन के थ्रू, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को देखता हूं, ये हो गया, ये ए, ये सी, बी बी और ये हो गया, तीन लाइन खींचते हैं, एक दो तीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो रहा है, ये सेम ग्रुप आ गए, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये भी फ्रेंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो कोई इसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब अगर फिर सिक्स वाले एग्जांपल की बात करता हूं, MA3BCD, तो इसमें क्या हो गया, चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे फ्रेंड्स, A3 एक फेशियल हो गया, एक फेशियल वाला हो गया BCD। अब फ्रेंड्स क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं मेरिडोनियल बना रहा हूं, MA A, ये क्या हो रहा है, बी और डी रखा, बी और सी रख दिया मैंने ट्रांस पे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट में क्या करता हूं मैं, बी और डी ट्रांसफर रख देता हूं और एक बार सी और डी ट्रांसफर रखता हूं मेरिडोनियल के लिए, ठीक हो गया फ्रेंड्स। बी सी सी डी हो गया, ये बी हो, सॉरी ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, आपका ये ए हो गया, ये सी बी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो MA3BCD के आपके चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे, ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं MA2B2C2।
कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे। अब देखते हैं कैसे आएंगे, तो मेटल मेटल मेटल, तो 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो ये क्या हुआ, मैंने पहला केस करा, दोनों सबको सिस में रख दिया, तो ए ए ये बी बी, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये बी बी और ये सी सी। अब दूसरे कंडीशन में क्या करा, मैंने सबको ट्रांस में रख दिया, ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया। अब मैंने क्या करा अगली कंडीशन में, ए ए को तो ट्रांस पे रखा, बी सी और बी सी को सिस पे रख दिया। अब अगली कंडीशन में फ्रेंड्स मैंने क्या करा, बी बी को ट्रांस पे रखा और ए सी को सिस पे रख दिया। अब मैंने फिफ्थ कंडीशन में करा कि सी और सी को तो ट्रांस पे रखा और ए बी को सिस पे रख दिया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो अब क्या है, अब अगर हम ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये चार में कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अगर पहली कंडीशन हम फॉलो करते हैं, तो ए क्या है, ट्रांस है एक दूसरे से, ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो ट्रांस है, तो पहली कंडीशन ही फॉलो हो रही है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये भी। अब अगर इसकी बात करते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स, ये मेटल है, ये। अब ए ए सी सी बी बी, अब हमें तीन लाइन खींचनी है, 1 2 3, और सेम देख लो, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं तो ये ए है, ये बी सी है, ठीक है, अगर ये वाली बात कर रहा हूं तो बी बी है और ये ए सी आ रहा है, मतलब उसके सामने अगर पेयर बन रहे हैं, ये ए सी ये बी बी का तो पेयर बना, बट ए सी का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं हो सकता, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तो एम ए टू बी टू सी टू में टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे और 1 ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 6, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।